मूवी शुरू होती है तब हमें फर्स्ट मूवी का बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट का हिस्सा क्रॉस करते हुए उन्होंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था और वो मिलिट्री एरिया सेक्टर 16 में चले गए थे और वहाँ पे उनके साथ इतना भयानक हुआ कि अगले दिन फैमिली के बाकी मेंबर्स मारे गए थे। अब आर्मी को इसके बारे में जब पता चलता है तब उन्होंने वहाँ पे सर्च एंड डिस्ट्रक्ट मिशन शुरू कर दिया, यानी बेसिकली उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के सारे प्रूफ मिटाने थे। उस हादसे के 2 साल बाद यानी अब हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट उस एरिया पे इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। अब इन साइंटिस्ट के साथ साथ कुछ सोल्जर और सर्जन जेफरी भी रहता है साइंटिस्ट के सिक्योरिटी के लिए। ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर हिल पे थे और उनकी टीम जो कि नीचे बेसमेंट में थी उनसे वो कॉन्टेक्ट करने की काफी कोशिश करता है लेकिन उनका कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता। इसी दौरान डॉक्टर अपने दूसरे साथी को कॉल लगाते हैं जो उसी माइन के अंदर थे। अब इनकी बातचीत हो ही रही थी तभी अचानक से हम देखते हैं जो माइन वाले डॉक्टर थे उन्हें कोई तो बेरहमी से मार डालता है। अब बीच में ही कॉल कट होता है, कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी इसीलिए अब डॉक्टर वापस जाने लगता है और तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट उसे दिखाई देता है जो सांप को खा रहा था। डॉक्टर उसे देख के काफी डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं लेकिन वो म्यूटेंट उन्हें नुकसान ना पहुंचाते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन डॉक्टर कुछ समझ पाते उसके पहले ही पीछे से एक दूसरा म्यूटेंट आता है और उनके सर पे कुल्हाड़ी से वार करके उन्हें मार डालता है। अब उनकी ये चीख पहाड़ों में गूंजती है और नीचे कर्नल को भी सुनाई देती है, वो भी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं लेकिन तभी एक दूसरा म्यूटेंट एक बड़े से नुकीले भाले से उनके शरीर पे वार करके उन्हें भी मार डालता है। दूसरी ओर हमें सोल्जर्स की एक टीम दिखाई जाती है जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस अपने बेस कैंप में जा रहे थे लेकिन रास्ते में इन्हें सेक्टर 16 से होते हुए जाना था क्योंकि वहाँ पे उन्हें कुछ सप्लाई देना था। कुछ समय के बाद वे लोग सेक्टर 16 में पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें कैंप में कोई भी दिखाई नहीं देता। उन्हें वॉकी टॉकी पर कुछ मैसेज भी मिलता है लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण कुछ भी सुनाई नहीं देता और तभी पहाड़ी से इनकी तरफ कोई आईने की रिफ्लेक्शन डाल रहा था। ये देख उनका जो कर्नल रहता है उन्हें लगता है कि वहाँ पे शायद कोई मदद मांग रहा है। मेजर अब टीम को ऑर्डर देते हैं कि किसी भी हालत में हमें साइंटिस्ट को ढूंढना है और रेस्क्यू करना है और मेजर अपने टीम को रेडी करके उनके साथ उस रिफ्लेक्शन वाले जगह पे जाने निकलते हैं। तो बेस कैंप में मेल सोल्जर नेपोलियन और फीमेल सोल्जर एम्बर वहीं पे रुक जाते हैं। अब ये लोग थोड़े समय के बाद ऊपर चले जाते हैं और चलते हुए अचानक से एक सोल्जर बहुत बड़े डिग में गिर जाता है जिसके कारण उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है। उसके चोट के कारण कर्नल उसे वापस नीचे बेस में भेज देते हैं। बेस कैंप में हम नेपोलियन को देखते हैं जो वॉशरूम गया होता है लेकिन अचानक से कमोड़ से 2 हाथ बाहर आते हैं। ये देखते हुए अचानक से वो डरते हुए बाहर आता है और जाके वो अंबर को बताता है। अंबर जब रेस्टरूम में देखने जाती है तब उसे एक इंसान दिखाई देता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि पहले की जो टीम आई थी उन्हीं में से एक डॉक्टर था। वो उनसे मदद मांगने लगता है। वो दोनों भी उसे बाहर निकालते हैं और उसे क्लीन अप करते हैं। उस डॉक्टर की हालत काफी खराब होती है। एम्बर और नेपोलियन दोनों को भी कुछ समझ नहीं आता और अपने टीम को वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी दरमियान डॉक्टर के शरीर पे काफी ज्यादा घाव थे जिसके कारण वो मारे जाते हैं। उन्हें पता नहीं था लेकिन दरअसल ये एक ट्रैप था। जब तक वो डॉक्टर को देख रहे थे तब तक म्यूटेंट्स वहाँ आते हैं, उनके सारे हथियार गायब करते हैं और गाड़ी में रख के गाड़ी को आग लगा देते हैं। ये लोग वापस अपने ऊपर गए हुए टीम को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं लगता। अब एम्बर खुद ऊपर जाने का फैसला करती है और वो कैंप से निकल जाती है लेकिन वो चीखते हुए नेपोलियन को कुछ बोलने की कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं एक म्यूटेंट उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। नेपोलियन ये देख उसकी मदद करने के लिए उसके पास भागता है। यहाँ पे एम्बर उस म्यूटेंट से काफी लड़ाई करती है, उस म्यूटेंट को वो काफी मारती है। ये देखते हुए वो म्यूटेंट जो पहले उसे किडनैप करने वाला था वो उसे काफी मारने लगता है लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक गोली चलती है और वो म्यूटेंट के कंधे पे जा लगती है। अब वो जख्मी हो गया था इसीलिए वहां से भागते हुए पहाड़ी के नीचे एक होल था वहां से बचते हुए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही सोल्जर था जिसका घुटना फ्रैक्चर हुआ था। वो सोल्जर अकेले ही नीचे बेस तक आ रहा था। उसके पैर की हालत देखते हुए एम्बर उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन तभी वही म्यूटेंट एक दूसरे होल से उस सोल्जर को पकड़ लेता है और उस होल में उसे खींचने लगता है। ये देखते हुए एम्बर उसे बचाने की काफी कोशिश करती है लेकिन तभी वहां पे नेपोलियन भी आके दोनों भी उस सोल्जर की जान बचाने में लग जाते हैं लेकिन वो म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और वो उस बेचारे सोल्जर को अंदर खींच लेता है। यहाँ पे हील्स पे हम देखते हैं ये सब लोग जब ऊपर जा रहे थे तभी उन्हें एक और डॉक्टर की लाश दिखाई देती है और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ है और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं लेकिन तभी पीछे से एक म्यूटेंट सोल्जर के ऊपर हमला करता है और सारे सोल्जर्स मिलके उस म्यूटेंट के ऊपर फायरिंग करना शुरू करते हैं। वो म्यूटेंट वहां से भाग ही रहा था और इसी गोलीबारी में एक गोली
गोली आके इनके मेजर को लग जाती है और वो उधर ही मारे जाते हैं। अब इनके लीड ही मारे गए हैं ये देख बाकी के सारे सोल्जर काफी परेशान होने लगते हैं। इसी दौरान एम्बर और नेपोलियन को भी हम देखते हैं, वो वहां तक पहुंच गए थे। यहाँ पे बाकी के सोल्जर्स पूछते हैं कि ब्रायन कहाँ गया, ब्रायन यानी वही सोल्जर जिसका घुटना इंजर्ड हो गया था। तो ये दोनों भी सारा किस्सा बता देते हैं कि यहाँ पे काफी खतरनाक म्यूटेंट्स हैं और उन्होंने ही उसे मार डाला। और उन्हें पता चल गया था कि वो लोग अभी काफी बड़ी मुश्किल में है क्योंकि इनकी कार का ब्लास्ट हो गया था, इनके ज्यादा हथियार इनके पास नहीं थे और अभी रात होने वाली थी। अब वो मेजर के शव को वापस नीचे ले जाने लगते हैं। अब ये बहुत ही बड़े हील पे थे इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि मेजर के शव को किसी सोल्जर से एक रस्सी से बांधते हुए हील से नीचे लाया जाएगा। अब एक सोल्जर उनके शव को अपने शरीर से बांधता है और वो हील से नीचे उतरने लगता है। बाकी सोल्जर रस्सी को पकड़े हुए थे लेकिन तभी अचानक से वो रस्सी टूट जाती है और जो सोल्जर मेजर को कैरी कर रहा था उसका भी देहांत हो जाता है। लेकिन तभी सोल्जर नोटिस करते हैं कि ये रस्सी किसी ने तोड़ी हुई है। अब ये लोग एक एक करके जब वापस नीचे जा रहे थे तभी एक म्यूटेंट आके इन्हीं में से एक सोल्जर को मार देता है। अब इन्हें पता चल गया था कि जो भी म्यूटेंट है वो एक एक करके सबको मार रहे हैं। अब उन्हें काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा इसीलिए आसपास देखते हुए काफी समझदारी से वो लोग नीचे आने लगते हैं। अब रास्ते में ही उन्हें पहले की टीम का जो सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है वो मिलता है। वो काफी जख्मी हालत में था तो ये सोल्जर उसे पूछते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। तो वो उन्हें कहता है कि माइन के पास से एक सीक्रेट रास्ता है, वहीं से वे लोग निकल सकते हैं। आगे वो इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है कि वो सारे लोगों को मार के खाते हैं लेकिन औरतों को वो पकड़ते हैं और अपने ब्रीडिंग के लिए रखते हैं। सोल्जर उसे पूछते हैं कि इन सारे म्यूटेंट से कैसे बचा जाए, कोई तो रास्ता होगा। लेकिन वो सिक्योरिटी ऑफिसर जख्मी हालत में कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है और वो खुद को ही गोली मारता है, यानी म्यूटेंट से बचना है तो खुद की जान लो। अब ये लोग काफी डर जाते हैं और उन्हें पता था कि उन्हें स्मार्टली लड़ना है इसीलिए वो जानबूझकर एम्बर और उसकी और एक साथी मिसी को एक साथ पिटा देते हैं ताकि उन्हें देखकर जो भी म्यूटेंट है उन्हें पकड़ने के लिए नजदीक आए। तभी एक म्यूटेंट पीछे से आके इन दोनों भी लड़कियों को पकड़ने के लिए आता है और यही मौका देख छुपे हुए सोल्जर ऊपर आते हैं और उस म्यूटेंट को मारने लगते हैं। काफी गोलियों की बरसात के बाद जाके वो म्यूटेंट मारा जाता है। अब यहाँ पे बाकी के सोल्जर उसे देख डिस्कस ही कर रहे होते हैं तभी मिसी जो अभी भी बैठी हुई थी उसे एक म्यूटेंट पकड़ के लेके जाता है। उसकी चीखे सुनकर ये सारे सोल्जर चौकन्ना होते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं और मिसी की आवाज को फॉलो करते करते वो उसी माइन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका अड्डा था। अब यहाँ पे काफी खतरा था इसीलिए उनमें का ही एक सोल्जर माइन के अंदर आना नहीं चाहता और इसीलिए वो उन्हें छोड़कर वापस चला जाता है। लेकिन वो अकेला होने के कारण इजीली म्यूटेंट्स का शिकार बन जाता है। एक म्यूटेंट उसे हील के बीच में ही पकड़ लेता है और उसका एक हाथ काटता है और उसे पहाड़ी के नीचे फेंक कर मार देता है। यहाँ पे माइन के लोग काफी अंदर तक निकल आते हैं और तभी नेपोलियन और एम्बर का पैर फिसल के वो लोग एक टनल के यहाँ पे गिर जाते हैं और दोनों भी वहाँ पे बेहोश होते हैं। अब बाकी के सोल्जर कैसे तैसे ऊपर से उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें उठता हुआ ना देख वो उनकी तरफ आने लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़े समय के बाद इन दोनों को भी होश आता है और वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़े समय के बाद म्यूटेंट को इनकी भनक लग जाती है और वो एम्बर को वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी नेपोलियन उस म्यूटेंट को मारने जाता है। अब काफी मारने के बाद उसे नीचे गिराता है और उसके सर पे काफी बार पत्थर से वार करता है और आखिरी में उसका सर कुचल के उसे मार देता है। लेकिन तभी एक दूसरा ब्लाइंड म्यूटेंट वहाँ पे आ जाता है और नेपोलियन और एम्बर की स्मेल सूंघते हुए वो उनके नजदीक आ रहा था। अब उससे बचने के लिए वो दोनों भी एक सीक्रेट डोर का सहारा लेते हैं और अचानक से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो तो किसी और म्यूटेंट का घर था और उन्हें वहाँ पे वही म्यूटेंट मिलता है जो दरअसल अच्छा होता है और स्टार्टिंग में डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये दोनों भी उसे देख के डर जाते हैं लेकिन वो इनके ऊपर हमला ना करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उन दोनों को भी वो एक जगह पे छुपने के लिए कहता है। तो यहाँ पे ऊपर अम्बर और नेपोलियन को ढूंढते हुए दो सोल्जर वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन वो ब्लाइंड म्यूटेंट इन दोनों को भी सूंघते हुए उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और उसी में से एक गोली एक सोल्जर को लगती है। अब ये सब कुछ देखते हुए दूसरा सोल्जर उस ब्लाइंड म्यूटेंट को मारने में कामयाब होता है लेकिन इसी फायरिंग में एक गोली उन्हीं के एक साथी को भी लगती है। अब नेपोलियन को अपने साथियों की भनक लग जाती है इसीलिए उस सीक्रेट डोरवे से वो अपने बाकी साथियों को अपने साथ छुपाने के लिए लेके आता है। यहाँ पे जो अच्छा म्यूटेंट रहता है उसका नाम हैंसल था। हैंसल उन चारों को भी वहाँ से बच के निकलने में उनकी मदद करता है और उन्हें वो बाहर लेके जाने लगता है। अब जाते हुए ये सारा म्यूटेंट का इलाका था जहाँ पे उन्हें काफी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है जैसे कि लोगों के सर रखे हुए थे, उनके
उसके शरीर के पार्ट्स रखे हुए थे और ये देखते हुए सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पे पहले की जो टीम थी उन सारे साथियों की डेड बॉडी मिलती है। वो सब लोग घबरा जाते हैं कि कौन से मुसीबत में वो लोग फंस गए हैं। और तभी वहाँ पे वो सोल्जर जिसे गोली लगी थी वो काफी अनस्टेबल होने लगता है और वो उधर ही मारा जाता है। अब वो उसका शव लेके वहाँ से निकलने लगते हैं। मिसी जिसके लिए ये लोग यहाँ पे आए थे वो बिचारी अभी भी कैद थी। एम्बर को मिसी को कैसे भी बचाना था और इसी बात पे इनके आपस में ही बहस शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पे तीन ही लोग थे, एम्बर, नेपोलियन और एक सोल्जर। इस सोल्जर को वहाँ से कैसे भी निकलना था इसीलिए वो अकेले ही अब वहाँ से जाने निकलता है। अब यहाँ पे नेपोलियन और एम्बर दोनों भी मिसी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सोल्जर जो बाहर के रास्ते जा ही रहा था तब उसे वहाँ पे काफी सारे डायनामाइट्स मिलते हैं और वो उनमें से एक बॉक्स अपने साथ रखता है। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स उठा के वहाँ से जाने निकलता है तभी एक वायर खींची जाती है और एक बटन ट्रिगर हो जाता है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सोल्जर वहाँ पे मारा जाता है। यहाँ पे ये दोनों भी मिसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे थे तभी एक म्यूटेंट उनके ऊपर अटैक कर देता है। नेपोलियन और उसकी काफी लड़ाई होती है लेकिन ये दोनों भी मिलके उसे काफी लड़ने के बाद मार देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली उन्हें मिसी की आवाज सुनाई देती है। उस दिशा में वो लोग जाते हैं और उन्हें मिसी मिल जाती है जो चैन से बंधी हुई थी। वो मिसी को छुड़ाते हैं और वहाँ से उसे लेके जाने लगते हैं। और तभी उन म्यूटेंट्स का लीडर हेड जो सबके ऊपर अटैक करता है वो इन तीनों को भी बेरहमी से मारने के लिए आता है। लेकिन तभी अंबर के पास एक आखिरी गोली बची हुई थी, वो बुलेट को लोड करती है और उसकी तरफ फायर करती है लेकिन वो गोली उसके सर से छू के जा निकलती है जिसके कारण उसे बस एक छोटी सी चोट आती है सर पे और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन ऐसे हालत में भी वो एम्बर को पकड़ के उसे मारने के लिए जाता है। तभी पास में ही नेपोलियन को एक रॉड मिलता है और वो उसके शरीर के आर पार कर देता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तभी मिसी को साइड में एक हथौड़ा मिलता है और उस हथौड़े से उसके ऊपर काफी बार वो वार करती है और नेपोलियन अपनी गन निकाल के उसके मुंह के आर पार कर देता है और वो फाइनली मारा जाता है। अब वो तीनों भी वहां से बचते हुए एक दूसरे डोर से बाहर आते हैं और मूवी के अंत में देखते हैं कि और भी कोई था जो लैपटॉप से इनके ऊपर नजर रखे था। और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।